एवरीवन और अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मदिया और मेरे चैनल का नाम है स्टे विद मदिया। तो आज मैं हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ और आज की जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए और बहुत ज़्यादा पैसे बचाने वाली वीडियो है ये आप लोगों के लिए। जो लेडीज़ जाती हैं पार्लर्स वगैरह, वैसे मैं तो उतना नहीं जाती हूँ, मैं सिर्फ आईब्रोज के लिए जाती हूँ, वो भी कोशिश करती हूँ जब मेरे निकल आते हैं ना एक्स्ट्रा, तो मैं उनको ट्यूज़र की हेल्प से जो है मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ज़्यादा जब वो बड़ी बड़ी जाती है ना तो फिर मजबूरी हो जाती है कि चलो जाना है। बाकी सब कुछ मैं अपना घर में ही करती हूँ और जो कुछ भी मैं करती हूँ अपने स्किन केयर में सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं आप लोगों के बहुत सारे पैसे बचाने वाली हूँ और सीरियसली इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कहोगे, बल्कि वीडियो को देखने के बाद, हाँ क्योंकि मैं डेमो भी देती हूँ आपको, रिजल्ट आपके सामने होगा। तो वीडियो देखने के बाद जो है 70-75% आप जो हो इम्प्रेस हो जाओगे इंशाल्लाह ताला। और वीडियो के बाद अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज कर यूज़ करते हो फिर आप मुझे दुआएं देना, बस और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ और सिर्फ दुआएं चाहिए। क्योंकि जो प्रोडक्ट मैं इंट्रोड्यूस कराने वाली हूँ ऑसम 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 रिजल्ट है इसके और ये बहुत ज़्यादा पैसे बचाने वाला। आप सोच रहे हो कि ये क्यों कहा है, पॉलर के बहुत ज़्यादा पैसे बचाने वाला इसलिए कहा है कि इस चीज़ को आपके फेस पर अप्लाई करने के पॉलर वाली जो है वो बहुत ज़्यादा चार्ज करती हैं, ठीक है। और वैसे तो मैं बताऊँ आपको, जो अलग अलग एरिया में अलग अलग सलून्स होते हैं उनके अलग अलग चार्जेस होते हैं, एरिया वाइज चार्जेस होते हैं, सारी बातें जो जैसा एरिया होता है उस हिसाब से सलून वाली चार्ज करती हैं। लेकिन ये जो प्रोडक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, बता देती हूँ, स्किन पॉलिश, मैं यहाँ बात कर रही हूँ स्किन पॉलिश की। थंबनेल से पता चल ही गया होगा मैं इतना ज़्यादा सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही थी। खैर ये ठक 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 आवाज़ है, प्लीज़ उसको इग्नोर करना, मेरे नेबर जो है उनके यहाँ थोड़ा सा काम वाम चल रहा है। तो खैर मैं ये कह रही थी कि स्किन पॉलिश के बारे में बात कर रही हूँ। एक स्किन पॉलिश मैंने आप लोगों को बनाना सिखाई है, DIY है, उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उसमें मेहनत बहुत है कि आपने 7-8 आइटम परचेज करने हैं, देन उसको बनाना है और फिर अप्लाई करना है। लेकिन काफ़ी पॉलर वाली जो है वो वही वाली स्किन पॉलिश यूज़ करती हैं। लेकिन अब जैसे जैसे जदीद दौर आ रहा है, जिनके पास जो थोड़ा रनिंग में पॉलर होते हैं तो वो भी कोशिश करती हैं कि रेडीमेड चीज़ें जो हैं वो हम ट्राई करें, या अच्छे सलून्स की बात करें, जो अच्छे सलून्स होते हैं तो वो भी कोशिश करते हैं कि कोई हम अच्छा रेडीमेड प्रोडक्ट ले लें, अच्छा भी हो, उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो और क्लाइंट भी इम्प्रेस हो जाए कि कुछ बना बुनू के नहीं लगा रही है। लेकिन मैं आपको बताऊँ टू बी फ्रेंक के जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं अभी भी, तो उनमें जो है जो छोटे छोटे सलून्स हैं तो वो अभी भी इस तरह के DIYs बना के आपकी स्किन पॉलिश करती हैं, आपको बहुत सारी चीज़ें देती हैं। तो जिसकी जितनी बजट होता है उस हिसाब से वो सलून सेलेक्ट करता है अपने जाने के लिए, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन खैर मैं एक प्रोडक्ट जो आपको बताने वाली हूँ वो सब परचेज कर सकते हैं, सबके बजट में आ सकता है, बहुत बजट फ्रेंडली। अब दिखा देती हूँ यार, ऑसम। अगर मैं किसी चीज़ की इतनी तारीफ कर रही हूँ तो आप समझ सकते हो कि उसके रिजल्ट क्या ही होंगे। इसका नाम है स्टेट इन स्किन केयर सोल्यूशन फेशियल स्किन पॉलिशर, नेचुरल शाइन, 100% नेचुरल क्लिंजर, पैराबीन एंड सोप फ्री फार्मूला, लिफ्ट्स डलिंग स्किन सेल्स डर्ट एंड डेब्रिस, प्रोटेक्ट द स्किन फ्रॉम एजिंग, सूट्स ऑल स्किन टाइप। ये आप देख सकते हो और मैंने तो तारीफ शुरू ही कर दी तो समझ सकते हो अभी क्या चीज होगी। ये है फेशियल स्किन पॉलिशर है और ये तुर्की का ब्रांड है, ठीक है, मैं आपको दिखा दूँ, फॉर्मुलेटेड फ्रॉम तुर्की, ठीक है, ये आप देख सकते हो। तुर्की उर्दू में कह रही हूँ, मैं तो तुर्की कह रही हूँ लेकिन बहुत ज़्यादा लोग प्रोनाउंस करते हैं टर्की, तो जी हाँ ये टर्की का है, तुर्की का है, ठीक, अपनी उर्दू ज़बान है यार तो उसको अच्छे से बोलने वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उर्दू ही सही नहीं बोल रहे होते हैं, मैं खुद बहुत सारी गलतियाँ कर देती हूँगी। खैर अच्छा जी, तो ये है तुर्की, ठीक है। अच्छा जी मैं पहले बता, मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगी कि इसको मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ और 2-3 तरीके इसको यूज़ करने के, आप चाहो तो उसको डेली भी यूज़ कर सकते हो। ऑसम रिजल्ट है यार, इतना शोर हो रहा है मैं क्या करूँ, अगर अभी मैं छोड़ती हूँ उसका वेट करती हूँ तो फिर बच्चे स्कूल से आ जाएंगे और फिर आपको पता है फिर मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। और मैं आजकल कोशिश कर रही हूँ कि मैं यूट्यूब पर एक्टिव रहूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं डेली जो वीडियोस हैं अपलोड करती रहूँ, तो प्लीज़ उसको बर्दाश्त कर लेना यार, क्योंकि जो मैं चीज़ बता रही हूँ वो तो आपको समझ आ जाएगी ना, आपके फ़ायदे की बात। खैर ये स्किन पॉलिश है और मैं आपको बताऊँ कि ऑल इन वन है यार, आपको किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम जाते हैं ना फेशियल वाली जो फलूस वाली होती हैं वो एक लिस्ट लगाई हुई होती है, उन्होंने क्लिंजर
500 विथ ब्लीच 800। ये मैं छोटे सैलून्स की बात कर रही हूँ, छोटे जो होते हैं ना, जो छोटे एरियाज के सैलून्स होते हैं वहाँ के मैं चार्जेस बता रही हूँ। फिर जो हाई उस पर होते हैं तो उनके तो पता है रेट अलग ही होते हैं। उसके बाद फिर वो कहती हैं कि अगर आप क्या कहते हैं फेस पॉलिश करवाएंगे तो इतने चार्जेस होंगे, विद ब्लीच करवाएंगी तो इतने चार्जेस होंगे, ये करवाएंगे तो इतने चार्जेस होंगे, मतलब अलग 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 वो चार्जेस बढ़ाती चले जाती हैं। अगर आपने ये परचेस कर लिया ना तो कोई क्लिनजर की ज़रूरत नहीं है, कोई फेशियल की ज़रूरत नहीं है, कोई स्क्रबिंग की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको फेस पॉलिश अलग से लेने की ज़रूरत नहीं है, मतलब अलग अलग प्रोडक्ट या अलग अलग जो स्टेप्स वाले फेशियल होते हैं उसकी ज़रूरत नहीं है। ये ऑल इन वन है। इस पर लिखा है कि स्किन केयर सॉल्यूशन फेशियल स्किन पॉलिशर, ये पूरा फेशियल आपका क्लीन कर देगा। जैसे कि इसमें लिखा है कि नेचुरल क्लिनजर भी है ये 100%। उसके अलावा पैराबिन सोप फ्री भी है, मतलब कि इससे अगर आप इसको डेली यूज़ करते हो तो भी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और डल स्किन है आपकी, एकदम आपकी स्किन पर जो है शाइन आ जाएगी, जल जो सेल्स हैं उनको एकदम जाके ना धक्का नहीं मारते, कहते हैं कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा कर देता है। तो ये एक्सफोलिएटर भी है, स्क्रब भी है इसके अंदर, तो वो आपकी डेड सेल्स को रिमूव करेगा जिससे आपके कोलेजन प्रोडक्शन अच्छा होगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करेगा जब हम इससे स्क्रबिंग करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे फायदे हैं इसके। एक के प्राइस ही बताऊंगी, प्राइस सुन के तो मुझे लगता है कि वीडियो जो है एंड भी नहीं होगी, आप लोग जो है इसको लेने के लिए चले जाओगे तो ऐसा मत करना, वीडियो देख लेना पहले, ओके, फिर जाके इसको परचेज करना। इस पर लिखा है बाय बाय ब्लेमिशेस, वी एडिड सैलिसिलिक एसिड टू स्टेट इन फेशियल स्किन पॉलिशर टू हेल्प रिड्यूस ब्रेकआउट्स एंड प्रिवेंट एक्नी। तो जी हाँ, ये ब्रेकआउट्स को ख़त्म करेगा, आपकी एक्नी से प्रिवेंट करेगा, मतलब अगर एक्नी है ब्रेकआउट है तो उनको ये ख़त्म करेगा, और नहीं है तो प्रिवेंट करेगा, मतलब आने से रोकेगा। उसके अलावा ये बता रहे हैं कि ये आपके जो ब्लेमिशेस हैं फेस पर उसको भी बाय बाय कर देगा। तो मुझे ब्लेमिशेस तो नहीं है, लेकिन मुझे इसको यूज़ करने के बाद सीरियसली अंदाज़ा हो रहा है कि अगर आप इसको कंटिन्यूसली करते हो यूज़ तो ब्लेमिशेस फेड तो लाजमी होंगे ही होंगे, ख़त्म होंगे या नहीं होंगे ये मैं नहीं कह सकती, लेकिन फेड हो जाएंगे क्योंकि इतना बेहतरीन है। इसके अंदर सैलिसिलिक एसिड है जो कि एक्सफोलिएटर का काम करेगा। 10 दफ़ा बता चुकी हूँ, सैलिसिलिक एसिड एक ऐसा इंग्रेडिएंट, एक ऐसा एजेंट है जो कि आपके एक्ने से भी आपको जो है निजात दिला देगा, आपके ब्लैक हेड्स हैं वाइट हेड्स उनसे निजात दिला देगा। अगर आपकी स्किन डल रहती है उसको ये एकदम ग्लो प्रोवाइड करेगा क्योंकि डेड सेल्स को रिमूव करता है। जब डेड सेल आपके रिमूव होंगे, ऊपर की डेड स्किन रिमूव होगी, तो आपकी जो है अंदर से एकदम फ्रेश बेबी स्किन निकल कर आएगी, तो ऑटोमेटिकली स्किन जो है आपकी शाइन करेगी, ग्लो करेगी। तो सैलिसिलिक एसिड जो है एक एक्सफोलिएटर होता है, एक बहुत ही बेहतरीन एजेंट होता है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसमें लिखा है कि क्रश वॉलनट शेल पाउडर लीफ पोर्स फ्रेशर देन फ्रेश फॉर ब्यूटीफुली ग्लोइंग स्किन। इसमें वॉलनट जो होता है, अखरोट के जो छिलके होते हैं उसको क्रश करके, उसको बिल्कुल जो है ना क्रश करके इसके अंदर मिक्स किया हुआ है ताकि वो एक्सफोलिएटिंग का भी काम कर सके, स्क्रबिंग कर सके, जो कि आपके स्किन के ऊपर एक ब्यूटीफुली ग्लो लेकर आएगा। डेमो दिखाऊंगी ना, उसमें आप खुद देख लेना, ओके। उसके बाद ये कह रहा है नॉट ओनली डज इट रिमूव डलिंग डेड सेल्स बट इट ऑल्सो प्रिवेंट स्किन फ्रॉम एजिंग। ये सिर्फ आपके जो डेड सेल्स हैं उन्हीं को रिमूव नहीं करेगा बल्कि आपको ये एजिंग से भी प्रिवेंट करेगा, ठीक, मतलब जो एजिंग साइंस आपके आ जाते हैं उसको ये लाने में डिले करेगा। तो कितने फायदे हैं इसके एक प्रोडक्ट के, ठीक है। इंग्रीडियंट इसमें बहुत बेहतरीन है, सैलिसिलिक एसिड है इसके अंदर, और ग्लाइकोल है, वॉलनट शेल पाउडर है, और इसके अंदर मैं बता दूं आपको ग्लिसरीन है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर सोडियम लॉरेल सल्फेट भी है। तो ये जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं जिनकी स्किन डैमेज है या जिनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई है, मतलब ड्राई स्किन वाले वो ये यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। और जिनकी नॉर्मल स्किन है, ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है, वो विदाउट सेकेंड थॉट इसको यूज़ कर सकते हैं। ये देख सकते हो उसकी पैकेजिंग इतनी बड़ी है और उसकी फ्रेग्रेंस इतनी प्यारी है, और फ्रेग्रेंस भी है इसमें, तो इसलिए डैमेज स्किन वाले एक्स्ट्रा ड्राई जो स्किन जिनकी होती है वो यूज़ नहीं कर सकते, ओके। अच्छा जी, इतनी बड़ी पैकेजिंग है, फ्रेग्रेंस इसकी ऑसम है, बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है, मतलब आपने निकाला और पूरे कमरे में आपकी फ्रेग्रेंस हो जानी है, और काफ़ी देर तक आती है, लॉन्ग लास्टिंग है इसकी फ्रेग्रेंस। इसका रिजल्ट कब तक रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा चलो रिजल्ट के बाद में बताऊंगी, पहले वीडियो देख लो कि इसको करना किस तरह से, पहले बता दूं, चलो बता देती हूँ। इसका रिजल्ट जो है वो रहेगा आपका हफ्ता भर, हफ्ता डेढ़ हफ्ता रिजल्ट रहेगा, बल्कि 2 हफ्ता भी रिजल्ट रह सकता है। और अगर आप इसको डेली यूज़ करते हो तो आप सोचो, जब इसका एक दफ़ा यूज़ करने पर हफ्ता 2 हफ्ता रिजल्ट रह सकता है, तो डेली जो है
ऑसम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि डेली मत यूज़ करना। क्यों? क्योंकि इसके अंदर छोटे 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 से ग्रैनुल्स हैं, एक्सफोलिएटर है। तो मैं इसलिए कहूँगी कि रोज़ाना आप ये मत करो। आप इसको वीक में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ कर सकते हो, लेकिन अगर जो लोग यूज टू हैं स्क्रब से डेली करते हैं वो डेफिनेटली कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि स्क्रबिंग और एक्सफोलिएटर जो होता है वो डेली नहीं यूज़ करना होता है आपने, वीक में एक दफ़ा इनफ है। इस पर लिखा है कि आप डेली यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि नहीं, आपने डेली यूज़ नहीं करना है। आपने इसको हफ्ते में एक बार यूज़ करना है, या सिर्फ हफ्ते में एक बार आप यूज़ करो, दो बार भी कर सकते हो, ठीक है। जिनकी ऑयली स्किन है, जिनको ब्लैक हेड्स का बहुत ज़्यादा इशू रहता है, वाइट हेड्स का इशू रहता है, तो वो दो दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा यूज़ मत करना, और इसका रिजल्ट आप देख रहे हैं इंस्टेंटली भी, और दो हफ्ते तक इसका रिजल्ट रहता ही रहता है। आप पहले देख लेते हैं इसको यूज़ किस तरह से करना, फिर आगे की बातें बाद में। ओके, तो फिर देख लो। तो यहाँ जो है मैं तैयारी कर चुकी हूँ, ये मैंने स्टीमर ऑन कर लिया है, और जिस तरह से दिख रहा है आपको स्टीम जो है आना शुरू हो गई है। तो आप इस तरह से स्टीमर रख लें, और मैं पूरा एक तो पूरा ऊपर से चादर लेकर कवर करके लेते हैं। मैं उस तरह से नहीं लेती हूँ स्टीम, मैं हमेशा इस तरह से लेती हूँ। कोई भी दुपट्टा वगैरह, कोई टॉवल वगैरह साइड में रख लेती हूँ, ताकि जो भी स्टीम है वो डायरेक्टली मेरे फेस पर लगे। क्योंकि अगर हम ऊपर से पूरा कवर कर कर लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फिर फील होती है फेस पर, बहुत ज़्यादा लगती है। मुझे उस तरह से नहीं अच्छा लगता। अगर आपको वैसे सही लगता है तो आप वैसे कर सकते हैं। मेरा जो तरीका है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं इस तरह से पूरे फेस पर स्टीम ले रही हूँ। देखिए आप पूरा फेस घुमा घुमा के टर्न कर कर के चीक्स पर, चिन पर, फॉरहेड पर, नोज़ पर, हर जगह जो है मैं स्टीम ले रही हूँ, पूरे फेस को वेट कर रही हूँ, ठीक है। और अगर आपको ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स की प्रॉब्लम रहती है तो आप हफ्ते में एक बार स्टीम लाजमी लिया करो। जिस तरह से मैं कर रही हूँ, उस तरह से कोई भी स्क्रब, अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाह रहे हो, ये तो खैर फेस पॉलिश के साथ है स्क्रबिंग, अगर आप ये यूज़ करना नहीं चाह रहे हो तो आप कोई भी अपना स्क्रब ले सकते हो जो आपको सूट करता हो, फेवरेट हो आपका, वो आपने इसी तरह से करना है। स्टीम के स्किन को किस तरह से रिपेयर किया जाए उसमें भी मैंने बताया है, और ड्राई स्किन वालों को ही मैंने जो भी रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी उसमें मैंने स्टीम के साथ जो स्क्रबिंग का तरीका बताया था वो तरीका यही होगा जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आप स्क्रबिंग करते हो अगर नॉर्मली, और अगर इस तरह से स्क्रबिंग करते हो तो उसके डबल फ़ायदे आपको मिलेंगे, क्योंकि इसमें स्टीम भी आप साथ साथ लेते जाओगे तो जो आपके पोर्स हैं, जो ब्लैक हेड्स पोर्स में बने हुए हैं, सॉरी जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स बने हुए हैं, जो पोर्स में गंद भरा हुआ है, वो इजीली जो है स्टीम के साथ ओपन हो जाएगा। जब स्क्रबिंग करोगे तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन आपका फेस हो जाएगा, डीपली क्लीन हो जाएगा। यहाँ पे मैं क्वांटिटी ले रही हूँ, मेरा फेस गीला हो चुका है भाप के ज़रिए, स्टीम के ज़रिए, तो एक क्वांटिटी ले रही हूँ मैं। उसकी हेल्प से मैं स्किन पर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली स्लोली जेंटली जो है मैं स्क्रबिंग करूँगी फेस पर। इसके ग्रैनुल्स बहुत ही बारीक बारीक हैं, तो बहुत अच्छे से वो जो स्किन के ऊपर एक्सफोलिएट करेंगे, और सैलिसिलिक भी शामिल है इसके अंदर, तो बेस्ट रिजल्ट आने वाला है इंशाल्लाह ताला। और बिल्कुल स्लो 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 मुझे करना है, मतलब स्लो स्लो से मुराद जेंटली, जेंटली मतलब हल्का रखना है अपने हाथ को अपने फेस पर, बहुत ज़्यादा रगड़ के नहीं करना है, वरना स्किन पर रैशेज आ सकते हैं आपको, और आइज़ पर, फेस पर, नोज़ पर, जहाँ जहाँ आपको ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वहाँ वहाँ आप इसको अप्लाई करोगे। और सिर्फ 3 मिनट्स आपने करना है इसको, 3 मिनट्स से ज़्यादा नहीं करना है। लेकिन जो मैंने वालों को टाइमिंग बताई है 30 सेकेंड्स, तो उन्होंने वही टाइमिंग रखनी है। लेकिन ये वाला जो पॉलिशर है ये डैमेज स्किन वाले, ड्राई स्किन वाले यूज़ नहीं कर सकते हैं, बाकी लोगों को मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो वो लोग जो हैं ये 3 मिनट्स कर सकते हैं, 3 मिनट्स तक हल्के हल्के हाथों से मसाज करनी है आपको। अगर आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, तो उनको भी आहिस्ता आहिस्ता अपने स्क्रबिंग करनी है ताकि वो निकल जाएँ, और स्टीम लेते जाना है साथ साथ। तो एक दफ़ा के यूज़ से ही जो आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड्स हैं, वो निकल जाएंगे, लेकिन जो ढीठ किस्म के हैं वो, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो वो 102 दफ़ा में निकल जाएंगे इंशाल्लाह ताला। या तो मैं कहूँगी आप उसको स्टिक के ज़रिए जो है आप निकाल लो तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, वरना फिर वो पिंपल ही बन सकते हैं। तो आप उसको स्टिक के ज़रिए स्टिक की हेल्प से ईजिली निकल जाएगा, क्योंकि आप स्टीम ले रहे हो साथ साथ आपकी स्क्रबिंग भी हो रही है, तो वो स्टिक की हेल्प से ईजिली निकल जाएंगे। तो अक्सर आपने देखा होगा स्टीम के बाद ही हम ब्लैक हेड्स निकालते हैं, वाइट हेड्स निकालते हैं। तो ये जो तरीका है ये मेरा अपना तरीका है फेस पॉलिश करने का, स्टीम के साथ साथ आप करोगे तो उसके डबल बेनिफिट आपको मिलते हैं, रिजल्ट जो है दुगना मिलेगा आपको, ठीक है। अभी आप देखना, मैं अभी थोड़ा सा हाथ मेरा खुश्क होने लगा था तो मैंने दोबारा से स्टीम ली ताकि भाप से जो है फेस मेरा दोबारा से वेट हो जाए। तो ये भी इसमें फ़ायदा है कि आपको बार बार पानी लेना नहीं पड़ता है स्टीम के साथ साथ। अभी देख सकते हैं मैं वॉश करके आऊँगी और ये रिज़ल्ट आपके सामने है, एकदम इंस्टेंटली स्किन जो है वाइटनिंग नज़र आ रही है आपको, ब्राइटनिंग नज़र आ रही है, स्किन एकदम शाइनी ग्लोई हो गई है। उसके साथ साथ मैं आपको बताऊँ, स्किन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट
स्मूथ सिल्की प्लम्पी जिसे कहते हैं वो हो गई है, नीट एंड क्लीन तो आपको नज़र आ ही रही होगी क्योंकि उसने एक एक पोर को क्लीन कर दिया है। तो नीट क्लीन वाइटनिंग ब्राइटनिंग ग्लोइंग शाइनिंग स्मूथनिंग और सिल्की सॉफ्टनेस सब कुछ आपको मिलने वाला है सिर्फ इस एक स्किन पॉलिश से। और ये लिखा हुआ है इस पर नेचुरल शाइन, तो ये आपको नज़र आ रही होगी। स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, कहीं जहन के किसी कोने में भी आ रहा हो कि आप इतनी तारीफ़ें करिए कहीं स्पॉन्सर वीडियो तो नहीं है, नहीं बाबा स्पॉन्सर वीडियो नहीं है। मैं इतनी तारीफ़ इसलिए कर रही हूँ कि मुझे बहुत पसंद आया है ये, और मैंने इसके बाद जो है मास्क लगाया था तो वो मैंने क्लिप इसमें ऐड नहीं किया, बल्कि मैंने शूट ही नहीं किया था, मास्क लगा के मैं अपने बाकी जो काम है वो निपटा रही थी। अब मास्क वॉश करने के बाद मैं ये अब अपना मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर रही हूँ। तो आपका जो भी फेवरेट मॉइस्चराइज़र है मास्क अप्लाई करने के बाद वॉश करने के बाद अब अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकते हो स्किन के ऊपर। वीक में एक दफ़ा इसको यूज़ करो, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट है। तारीफ इसीलिए कर रही हूँ कि आप इसको परचेज़ करो और यूज़ करो, तो इंशाल्लाह ताला मुझे दुआएं दोगे आप कि आप ही ने पैसे बचाए पॉलर जाके स्किन पॉलिश करवाने के, और इतना औसम रिज़ल्ट इसका हमें मिला है। इससे पहले जो स्किन पॉलिश मैं यूज़ करती थी वो एक हॉलीवुड की और स्किन सक्सेस की मैं यूज़ करती थी, तो मैं यहाँ पे पिक्चर इंसर्ट कर दूँगी दोनों की, हॉलीवुड वाली की भी और स्किन सक्सेस वाली की भी। तो वो जो है उसके रिज़ल्ट भी बहुत बेहतरीन है, लेकिन उनके प्राइस जो है ज़रा एक्सपेंसिव है वो, तो ये जो है रिजनेबल प्राइस के साथ साथ रिज़ल्ट वैसा ही आपको मिलने वाला है। तो इसलिए मैं अब यही इस पर स्टक रहूँगी इंशाल्लाह ताला, क्योंकि इसके रिज़ल्ट औसम है, उनकी तरह ही है इसके रिज़ल्ट और प्राइस भी रिजनेबल है। तो देखा आपने इसको यूज़ किस तरह से, मैं किस तरह से यूज़ करती हूँ, और अगर आप भी इसी तरह से यूज़ करोगे तो उसके डबल फ़ायदे हैं। और अगर आप ऐसे यूज़ करना नहीं चाहते हो तो आप इसको अपने बाथरूम के वैनिटी पर रख लो, वहाँ इसको रख लो आप, और फिर आप वीक में एक दफ़ा नाइट में जो है इसको करने के बाद आप अपना कोई भी अच्छा सा जो मास्क अप्लाई कर लो, इस तरह से भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अब आपको पॉलर जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ये एक आप लाके रख लो। प्राइस बोलोगे आप, प्राइस तो बता दो, तो प्राइस इसके सिर्फ और सिर्फ 350 रुपीज़। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, सिर्फ और सिर्फ 350 रुपये का है। मैंने इसको करीमाबाद से परचेज़ किया, करीमाबाद में नीचे जो मार्केट है बहुत बड़ी मार्केट है कॉस्मेटिक की, मैंने वहाँ से इसको परचेज़ किया है, तो आप भी वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हो। और अगर ऑनलाइन मिल जाए तो मुझे नहीं पता ऑनलाइन है या नहीं है, तो आप लोग देख लो, अगर ऑनलाइन मिल जाता है तो ऑनलाइन इसको परचेज़ करो, लेकिन मैंने खुद जाके करीमाबाद से इसको परचेज़ किया था, और मुझे काफ़ी टाइम हो गया उसको, तकरीबन 2-3 महीने मुझे हो गए इसको मैं यूज़ करते हुए। मैं हफ्ते में इसको एक बार लाजमी यूज़ करती हूँ, फेस पॉलिशिंग करती हूँ इससे। ये थी मेरी छोटी सी वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो बताइए क्या करना, इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताने की वीडियो आपको कैसी लगी, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन है टिंग 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 उसको प्रेस करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।